मेडिकल कॉलेज छात्र के अंतिम संस्कार में उमड़े सैकड़ों लोग संग कई राजनीतिक दलों के नेता। नम आंखों से दी सबने भावभीनी अंतिम विदाई। छोटे भाई विश्व उर्फ विशु ने दी मुखाग्नि। सुहागनगरी में भी छाया शोक। सपा के पूर्व एमएलसी दिलीप यादव ने भी घटना पर जताया गहरा दुख। फिरोजाबाद। बीते दिन मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद के छात्र शैलेंद्र कुमार के सुसाइड के बाद पूरे दिन गर्माते रहे। मामले के बाद शव की पोस्टमार्टम होने के उपरांत गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार को जलेसर रोड शमशान घाट ले जाया गया। उसकी शव यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग नम आंखों के साथ आगे बढ़ रहे थे, वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल रहे। जब शव शमशान घाट पर आया तो दाह संस्कार की क्रिया संपन्न कराने के साथ ही मृत युवक के छोटे भाई विश्व उर्फ विशु ने उसे मुखाग्नि दी। नम आंखों के साथ सभी ने अंतिम विदाई दी। मृत छात्र को लेकर न केवल उसके परिजनों में बल्कि साथी मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स व सुहागनगरी में भी शोक छाया हुआ है। वहीं दाह संस्कार में पहुंचे सपा के पूर्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव ने कहा कि यहां फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्र शैलेंद्र शंखवार ने कल आत्महत्या कर ली। कल पेपर भी था, साथियों से कह दिया आप चलो मैं आ रहा हूँ, फिर उसने यह कदम उठाया। एक दिन पहले पिता से जो बातचीत हुई उसमें अनैतिक दबाव डालना सामने आया, जिसको लेकर जिलाधिकारी व मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से मान करते हैं ऐसी घटना की पुनरावृत्ति। उसमें शैलेंद्र शंखवार ने आत्महत्या कल कर ली। वो एमबीबीएस के छात्र था, 2021 में यहाँ सिलेक्शन हुआ था और उस समय पूरे परिवार में बड़ी खुशी का माहौल रहा होगा जब इनका सिलेक्शन हुआ होगा। शंखवार समाज में लोग कम अच्छे पदों पर पहुँच पा रहे हैं, हालांकि अब लोग पेरेंट्स उनके सब गार्जियंस लगे हैं, उनके घर में एक एडिशनल एसपी भी है, कई और भी अधिकारी हैं। उसी कड़ी में बेटे का सिलेक्शन हुआ तो बड़ी खुशी हुई। कल उसने पता नहीं किस प्रेशर में, किस मानसिक उत्पीड़न में या किस दबाव में इस तरह की आत्महत्या कर ली। उनका कल पेपर भी था तो अपने साथियों से कह दिया आप चलो मैं आ रहा हूँ। इससे पहले बताते हैं शैलेंद्र ने अपने घर पर पिताजी को बताया था कि मुझे कुछ मेडिकल कॉलेज के स्टाफ परेशान कर रहे हैं, उस परेशान में अटेंडेंस शॉर्ट होने के कारण से पैसे मांगते हैं, दबाव बनाते हैं कि आपको पास नहीं होने देंगे। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा बहुत शोक की घड़ी है, बहुत दुख की घड़ी है और ईश्वर ऐसे किसी और को रास्ता ना दे, ऐसे में बचाने का काम हम सब लोगों का है, मोटिवेशन का काम है। उनके लोगों को मालूम पड़ जाती तो मुझे लगता है उसको थोड़ा सा डिप्रेशन से निकालने का प्रयास किया जाता, लेकिन इस शोक की घड़ी में मैं ईश्वर से दुआएं करता हूँ उनके घर को पूरी साहस इस तरह का दें जिससे घर में जो इतना पहाड़ सा टूट गया है। उनकी बहन अभी काफ़ी देर में आ पाई बेचारी, तब यहाँ डेड बॉडी यहाँ रखी है, हम लोग सवेरे से ही हैं, हमारे सभी लोग कल से लगे थे, लेकिन उसमें ऐसी में कुछ करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसमें हम मेडिकल कॉलेज के सभी स्टाफ को निवेदन के साथ जिलाधिकारी को ये कहना चाहेंगे किसी बच्चे पर ऐसा अनैतिक दबाव न डाला जाए। शॉर्ट की अटेंडेंस हो सकता है अगले साल परीक्षा दे लेगा, लेकिन धमकी देना तो मैं देर नहीं देंगे, फेल हो जाओगे, जीवन बर्बाद कर देंगे, तो बच्चा नहीं झेल पाया। पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या मानते हैं? क्या इसमें मुकदमा दर्ज किया है, इसमें पुलिस विभाग अपनी जांच करेगा, लेकिन मेरा तो इन निचोड़ ये कहना है कि भाई मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी है, जो छात्र पढ़ने आया है वो छात्र बेचारा बड़ी मेहनत करके नीट की परीक्षा अपने आप में पास करना बड़ी बात है। नीट में से काउंसलिंग के आधार पर फिरोजाबाद की छात्र को फिरोजाबाद का मेडिकल कॉलेज मिल जाना, इसका मतलब प्रतिभाशाली छात्र था और जरा से किसी अनैतिक दबाव में बेचारा अपनी जान खो गया और पूरे घर में इस समय दुख का पूरा माहौल है, शोक का माहौल है, झेल नहीं पा रहे हैं, इतनी दुख की घड़ी आ गई है और जो लोग यहाँ आए हैं सब सबकी आंखें नम हो रही हैं, लेकिन इसमें अनैतिक दबाव नहीं डालना चाहिए और जिससे ऐसे और भी छात्र पढ़ रहे हैं कि और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। हम मुकदमा कायम हुआ उसमें जाँच करेंगे, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और जिलाधिकारी से मांग करते हैं ऐसी घटना न हो।